आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इसका आगामी चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। इसी कड़ी में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रेणुका के संग्रह में एक बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के संग्रह में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकाली। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाना था। रेणुका भाजपा अध्यक्ष प्रताप तोमर और रेणुका भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा ने बताया कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। वर्तमान का हमें निर्देश था, मोदी जी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस अवधि के दौरान मोदी जी ने गरीबों की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए, जितने वर्ग हमारे इसमें आते हैं हर वर्ग के लिए इन्होंने भलाई के काम किए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने ये युवा रैली निकाली है जो कि हमने संग्रास रेस्ट हाउस से शुरू की और बोरली तक ये पार गई। वहाँ से हम SDM ऑफिस आए और इसका समापन जो है विश्राम गृह संग्रह में किया गया। मोदी जी के 4 साल के उपलक्ष्य में हुई, जो मोदी जी के 4 साल हुए हैं, इन 4 सालों में जो मोदी जी ने सराहनीय काम किए हैं इसके उपलक्ष्य में भी ये रैली निकाली गई है। जो मोदी जी ने स्कीमें निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी स्कीमें हैं, आज इन स्कीमों को सारे युवाओं के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में भाजयुमो द्वारा इस तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।